जय श्री राम। अगर दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें एवरीवन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है एक नया अपकमिंग IPO चल रहे हैं और आपको अगर आप IPO के सीजन चल भी रहे हैं आपको पता भी है, ठीक है। और आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो ओपन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जरूर आप ओपन करवा लीजिए एवरीवन, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक IPO के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंदर जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एवरीवन, क्योंकि आपको ऐसे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए भी आपको टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन करें और आपको उससे पहले डीमेट अकाउंट ओपन होना जरूरी है, उसी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों देखो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है IPO के ऊपर, ठीक है। जैसा कि पता ही है IPO के सीजन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें एवरीवन। और दोस्तों जैसा कि देखो आज की बताऊँ वीडियो बिना चलो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना एवरीवन, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से ही पता बता रहा हूँ, ट्रेवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड का ये IPO है, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता ही चल गया होगा कि ये किसके रिकॉर्डिंग या किसका ये वो है IPO, ठीक है, आ रहा है। तो सब कुछ आपको पता क्या करना है, वीडियो में बस बैठे टाइम निकाल के जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि आप कहीं अगर इधर उधर अगर आप कॉलेज या इंस्टा कहीं स्कूल में हो तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से शांति से जरूर देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है इसमें आपका पैसा लगता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इस IPO का नाम है ट्रेवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड, जैसे कि नाम से पता चलेगा कि ट्रेवल ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बेसिकली करती है जो अपने जो कंपनी की जो मतलब कंपनी जो एयर टिकट्स होती है ये कंपनी उसको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, मतलब जो एयर टिकट्स होती है उस वो जो कोई मतलब USA या अदर कंट्री में जाना चाहता है ये उसको टिकट प्रोवाइड करवाती है एयर टिकट्स, ठीक है। बाकी इसका जो पैकेजिंग टूर होता है कि अगर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो USA कनाडा ऐसे अदर स्टेट सॉरी अदर कंट्री, तो ये एक पैकेट बना के देती है मतलब घूमने का, ठीक है। और बाकी ये मतलब और होटल भी रेस्टोरेंट वो करवाती है, ठीक है। मतलब ये कंपनी क्या करती है, या किसी को जैसे रेंट पे देना कुछ, ठीक है, या कहीं ट्रैवल के लिए ये उसी के रिकॉर्डिंग कंपनी है, ठीक है। बाकी कंपनी वीज़ा पासपोर्ट इंश्योरेंस और अदर में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, हमें देख ही दी है, ठीक है। बाकी कंपनी देखो ये मतलब इंश्योरेंस भी थोड़ा बहुत इंश्योरेंस भी करवा देती है, ये इसका अदर साइड का पैकेज है बिजनेस का जो इसका है, ठीक है। वीज़ा जैसे अगर कहीं आप जा रहे हो तो वीज़ा प्रोवाइड करवा देगी, और अगर पासपोर्ट चाहिए इंश्योरेंस चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हो मतलब अदर कंट्री में तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाना ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बाकी अगर इस कंपनी के जो जो बात करें ये जो ट्रेवल्स एजेंसी है ये जो जैसे कि USA साउथ एशिया ऐसे ऐसे कंपनी में ये ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जैसी कंपनी में ईस्ट अफ्रीका में कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बाकी अगर कंपनी की बात करें जो ये मैं सबसे ज़्यादा ये एयर एयर टिकटिंग की ये इस पर मतलब वो वर्क करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाकी इसकी अगर बात करें इसके लगभग अभी 58 एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कि एक अभी वर्क इसी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं 58, ठीक है। मतलब ये कंपनी है ट्रेवल्स और या रेंट पर देने के लिए है वाली ही कंपनी है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो, ठीक है। बात करूँ अगर इसके एसेट के एसेट में तो देखो ईयर उन्हें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, क्योंकि बहुत से इंडियंस विदेश घूमने जाते हैं या USA कनाडा बहुत से जापान या दुबई ऐसे स्टेट में जाते हैं तो ये कंपनी प्रोवाइड टिकट करवाती है सही सेक्टर भी, ठीक है। पर आपको वीडियो का अंतर जरूर देखना जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा GMP क्या चला है इसका, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को आराम से देखे शांति से टाइम निकाल के देखे, पर वीडियो को जरूर देखे पूरा, ठीक है। अगर रेवेन्यू की बात करें रेवेन्यू में भी लगभग हमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली, लगभग ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने के लिए बहुत अच्छी मिली है, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें इसमें टैक्स आफ्टर भी बहुत अच्छा इसमें है ग्रोथ टैक्स देने के आफ्टर के बाद भी, ठीक है। और बात करें अगर नेट वर्थ भी इसकी जो कंपनी है बहुत अच्छा मतलब इंक्रीज करेगी तो इसको नेट वर्थ भी बढ़ रही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें इसमें भी बहुत अच्छी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने के लिए हमें मिली है, ठीक है। टोटल बोरिंग की बात करें इसमें भी टोटल बोरिंग में भी लगभग अच्छा सेक्टर है, पर इसमें बात करें इसका सही थोड़ा बहुत बोरिंग और भी कम हुआ, ठीक है, लगभग सही है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें तो मुझे फाइनेंस तो अच्छे लगे कंपनी के,
पर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देखनी, जिसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करूँ अगर आईपीओ की, जो हमारे जो आईपीओ है, ये आईपीओ ओपन हो गया, जैसे कि 19 तारीख को ओपन हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। ये 2 तारीख को आपको क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बात करें अभी लिस्टिंग डेट में, भी आपको वीडियो आगे बताऊँगा, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें, इसका 10 रुपये पर इसका शेयर रखा गया है, और इसका जो प्राइस बैंड है वो लगभग प्राइस का लगभग 40 चल रहा है, ठीक है, 40 पर शेयर इसका। लॉट साइज जो इसका रखा गया है लगभग 30,000 इसका लॉट साइज रखा गया है, ठीक है। और बात करें कंपनी ने लगभग 1200 करोड़, सॉरी 12 करोड़ कंपनी ने जो इशू करे हैं शेयर, ठीक है। बाकी जो फ्रेश इशू है, जो पूरा कंपनी लगभग पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा, 12 करोड़, ठीक है। बाकी ये लिस्ट होगा सिर्फ अभी BSE पे, ठीक है। और ये लिस्टिंग डेट थी जो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, ये सिर्फ लिस्ट बता रहा था मैं अभी, ठीक है। NSE पे, सॉरी BSE पे लिस्ट होगा, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर हम इस कंपनी की वैल्यूज की बात करें, कि जो ROE है जो कंपनी की, वो लगभग 26% चल रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ROCE बात करें, ये भी लगभग सही है, 15% से दोनों ऊपर होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी होती है ठीक ठाक कंपनी के लिए। डेप्ट की बात करें, इस पर लगभग अभी 0.3 के करीब इस पर डेप्ट है, जो कि धीरे धीरे करके कंपनी चुका भी देगी डेप्ट, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो कंपनी मतलब डेप्ट भी लेती है, अपनी कंपनी नेटवर्थ बढ़ाती है, तो इसलिए थोड़ा डेप्ट भी होता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। बाकी PR आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और आपको PB मार्जिन, पेट मार्जिन, आपको सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि अभी इसी समय सेक्टर सही चल रहा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैंने बताया कि अभी इसका GMP क्या चल रहा है, इसका GMP अभी जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका GMP भी लगभग 12% चल रहा है, ठीक है। GMP दोस्तों पर एक अंदाजा होता है, जिस समय लिस्टिंग के पता चलता है, पर GMP भी बहुत डाउन चल रहा है, ठीक है। एक अच्छी कंपनी के लिए आईपीओ के रिकॉर्डिंग बताऊं तो 20-25 के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। पर अभी 12 चल रहा है, बाकी ऊपर नीचे होता रहेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जिसमें आपको अपडेट्स मिलेगी, ठीक है। अगर बात करूँ मैं आईपीओ की, जो ओपन बताया मैंने, आईपीओ ओपन हो जाएगा 12 तारीख को ही, आईपीओ ओपन हो जाएगा, ठीक है। 29 तारीख को, सॉरी मिस्टेक, माफ़ करना, गलती हो गई थी, ठीक है। 29 तारीख को ही आपको आईपीओ ओपन होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्लोज जो होगा 2 तारीख को क्लोज होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। बेसिक जो अलॉटमेंट मिलेगी वो 3 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगी, अलॉटमेंट का सब्सक्रिप्शन भी आएगा, जब सब्सक्रिप्शन भी आएगा इसका, तो आपको उसका भी आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अलॉटमेंट भी आएगी उसका भी आपको मिल जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिसको जिससे आप हमसे जुड़े रहोगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अगर रिफंड की बात करूँ, इसको 4 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट होंगे वो 4 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग डेट की बात करूँ, 5 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। और अगर इसकी जो बात करूँ, 2 तारीख को ही, मतलब जो आपका अप्लाई कर सकते हो, 2 तारीख को शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, डेट है जो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस कंपनी के पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, इस कंपनी की कंपनी करती क्या है, इसका GMP बताया, अभी 12% चल रहा है, बाकी अभी वेट करना चाहिए हमें पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन का भी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का भी बोलता रहा हूँ, अपडेट्स आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको सब्सक्रिप्शन भी देखना चाहिए कि NII OII ये सब आप मतलब इंटरेस्टेड है इस IPO में अप्लाई करने के लिए कि नहीं है, ठीक है। तभी तो कह रहे हैं अभी मैं जरूर, आप डीमेट अकाउंट भी आप ओपन भी करवा लो, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, जिसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी मेरे, अब मैं इसमें बताऊँ दोस्तों, मैं पर्सनल ओपिनियन देने जा रहा हूँ अपना इस IPO के रिगार्डिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कंपनी बढ़िया, सेक्टर बढ़िया, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छी कंपनी कर रही है, डेप्ट भी ज़्यादा नहीं है इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। कंपनी अपना नेटवर्थ भी कंपनी की अच्छी चल रही है, सब कुछ कंपनी का सही चल रहा है, ठीक है। पर दोस्तों मेरे, मैं अभी वेट करूँगा, आप भी मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप वेट करिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन आ जाने दो। GMP भी अभी इसका GMP भी अभी 12% चल रहा है, थोड़ा GMP भी बढ़ाने दो, ठीक है, तब हम अप्लाई करने के सोचेंगे। पर हाँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दूँ दूँ मैंने अभी, मैं ये नहीं बोला कि आप अप्लाई करें या ना करें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसमें मैंने किसी को नहीं बोल रहा कि अप्लाई करो या मत करो, आप अपना रिस्क और अपना एनालाइज के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें या ना करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आँख बंद करके कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको टाइम टू टाइम, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन भी उसमें भी मिलती रहती है, बहुत सारी बहुत सी चीज़ें होती है जो यूट्यूब पे नहीं भेजता, वो टेलीग्राम पे जरूर भेज देता हूँ मैं, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, दो मेरे दो अकाउंट्स हैं, आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मेरे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम चलने हैं, तो आप उस बच के रहिए, ठीक है। इसलिए बोला डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के द्वारा ही आप ज्वाइन होइए, ठीक है। तो
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है एवरीवन। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालाइज के साथ, और सॉरी नेक्स्ट, हाँ इसमें भी हमने नेक्स्ट एनालाइज करेंगे, अब नया जो आपके मूवी आई पी आएगा ठीक है उसका भी एनालाइज करेंगे। तो सब्सक्राइब कर को रखो एवरीवन, और शेयर मार्केट से जुड़ी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भी मिलती रहती है, सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं और कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, बस सब्सक्राइब करके रखो आप, वेट करो और ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो एवरीवन, ठीक है देखो आपसे भी सब्सक्राइबर मांग सब्सक्राइब मांगना पड़ता है आपसे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है नेक्स्ट आईपीओ के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।